हाँ तो भाई लोग कैसे हो? तो ये रहे अपने रैप्सोल बाबा। तो मैं बोल रहा था ना आपको, एक दिक्कत जो आ रही थी कि ये इसमें जो आवाज़ कर रहा है वो ये कर रहा है, तो यार ये आवाज़ नहीं कर रहा है वो, क्योंकि मैंने देखा बहुत ध्यान से आवाज़ कहाँ से आ रही। तो आवाज़ ये इसकी आ रही है भाई लोग, ये देखो ये जो लॉक है ना, ये देखो ये हिल रहा है, आ रही होगी आपको देखो आवाज़ है ना। तो भाई लोग इसकी आवाज़ आ रही है, वही मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि यार आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो आवाज़ इसी की आ रही है वो, और इसकी नहीं आ रही है, ये तो बढ़िया है। ये तो शायद ही आवाज़ करता होगा मेरे को लगता है, क्योंकि इसकी नहीं आ रही है। और भाई लोग ऑफ रोड तो करना ही पड़ेगा भाई, रोडिंग तो होगी होगी भाई। ऐसा तो नहीं है कि ऑफ रोडिंग अपन कर नहीं सकते भाई, तो ऑफ रोडिंग तो अपने रैप्सोल बाबा से अपन करेंगे ही करेंगे। तो भाई देख लो, वाइड एंगल में भी दिखा देते रैप्सोल बाबा, मस्त दिख रहे अपने। तो भाई ब्रेक की आवाज़ तो बंद हो नहीं रही है भाई, वो CVR का जो चेंज करवाने के लिए बोल रहे भाई कुछ लोग, तो मैं वो चेंज करवा लूँगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि क्या है भाई, है ना। और भाई CVR नई वाली आने वाली है, बहुत ही जल्दी आ रही है CVR नई, तो देखते अपन। तो अगर रैप्सोल बाबा अगर किसी को लेना हो तो भाई मैं बता दूंगा, अगर मैं बेचूंगा तो मैं रैप्सोल बाबा के बारे में बता दूंगा कि कब बेच रहा हूँ, ठीक है भाई लोग। तो अपन अगर CVR लेना चाहेंगे तो अपन CVR ले लेंगे, क्योंकि भाई CVR एक नंबर आएगी गाड़ी, मज़ा आ जाएगा CVR चलाने में भाई। देख लो भाई पीछे का लाइट बहुत शानदार दिखता है बाइक का, एकदम अलग ही। तो हॉर्नेट वाला पुराना, पर थोड़ा तो अपग्रेड करा है इसको, थोड़ा बहुत तो दिखता है। बाकी भाई फ्रंट से लुक तो गाड़ी का एक नंबर आता है, देख लो भाई। इधर से दिखा देता हूँ मैं, इधर से गाड़ी ज़्यादा दिखाता नहीं हूँ मैं, क्योंकि इधर से बहुत कम दिखाता हूँ। तो ये देख लो भाई, मस्त दिख रही गाड़ी इधर से। और भाई ये इधर जो जंक वगैरह लग रहा था वो उसको करवाना पड़ेगा, उसको देख लो भाई अभी भी है वो, तो दिख रहा होगा आपको, तो वो करवा देंगे भाई अपन, ठीक है। और अपना रैप्सोल बाबा एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। वही मैं बता रहा था आपको कि यार ये इसमें जो आवाज़ आ रही है ना वो यहीं से आ रही है, वो बहुत मैंने देखा, इसको भी निकाल के देखा था, चला के देखा, उसके बाद में पता चला कि यार ये आवाज़ ये लॉक में से ही आ रही है। देखो ये हिल रहा है इसका, ये भी ये ना जो सिल्वर वाला इतना इतना हिल रहा है, तो कट 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 उसी की आवाज़ आ रही है भाई। तो फिर इसीलिए मैंने सोचा कि भाई क्लियर कर दूँ सबको कि आवाज़ उसमें से नहीं आ रही है, यहाँ से आ रही है भाई। क्योंकि आप भी फिर देखोगे भाई, चेक करोगे भाई, अगर आपको भी नई गाड़ी लेना है, अगर नया वाला मॉडल लेना है इसका, तो भाई वो आप भी देखोगे तो फिर सोचोगे कि यार नहीं लेते क्योंकि इसमें तो आवाज़ आती है। तो भाई मैंने सोचा कि बता ही दो आपको तो क्लियर हो जाएगा। तो भाई इसमें से आवाज़ आ रही है, तो भाई देख लेना, अगर आपकी बाइक में से भी आती है तो इसमें से आ रही होगी। और भाई लोकेशन देखो अपनी फेवरेट, वही वाली लोकेशन है। तो ठीक है भाई लोग, मिलते हैं, थोड़ा ऑफ रोडिंग का आपको वीडियो बता देते हैं बना के। देख लो ऑफ रोडिंग भाई लोग, अपन एक सोच रहे कि पीछे भी कैमरा लगा दे भाई, पीछे कैमरा लगा देंगे तो बढ़िया हो जाएगा। हाँ भाई वही सोच रहे कि पीछे भी कैमरा लगाना चाहिए गाड़ी में, तो मज़ा आएगा भाई, क्योंकि पीछे कैमरा टायर के पास में लगाएंगे अपन। अभी अपना कैमरा बंद हो गया भाई, तो थोड़ा सर्विस पे दिया अपन ने, कैमरा चालू होता वैसे ही ब्लॉग आ जाएगा, तो पीछे भी अपन एक कैमरा लेके लगा देंगे भाई। एक कैमरा तो जुगाड़ करना पड़ेगा एक कैमरे की, और तो कैमरा लगा ले लेंगे अपन भाई, ठीक है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।